दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं स्टाफ लोन लोन ऐप की रियलिटी को, जिसकी रेटिंग फिलहाल 4.5 स्टार की है और लगभग 50,000 लोगों ने इसे डाउनलोड भी किया हुआ है। अगर आप इस लोन ऐप से लोन के लिए ट्राई करने वाले हैं तो ऐसे में आज के इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर से देखना। 4.5 स्टार की इसकी रेटिंग है और 50,000 लोगों ने इसे डाउनलोड किया हुआ है। नीचे स्क्रॉल करने पर हमें देखने को मिलता है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये आपके डेटा को किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात इन लोगों ने यहां कहा है। अब अगर अबाउट सेक्शन में हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 2000 से लेकर के 50,000 के बीच का आपको जो है एक लोन अमाउंट मिलने वाला है। नीचे स्क्रॉल करने पर हमें इनका मेल आईडी मिलता है और एड्रेस देखने को मिलता है। अब इसकी रियलिटी जानने के लिए हम पहले देखेंगे 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज को, जहां पर बहुत लोगों के रिव्यूज हैं, आप लोग देख सकते हैं, जो कि मोस्टली ये कह रहे हैं कि लोन ऐप बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम बीच में जाते हैं ना इस रिव्यूज के बीच में, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो है आपको वेरी गुड ऐप, नाइस ऐप, इस तरीके के जो है रिव्यूज देखने को मिलेगा। इसे देख करके ऐसा लगता है जैसे कि मान लो यार कहा गया हो कि भाई रिव्यू डाल दो बस, ठीक है। तो यहां पर कुछ इस तरीके से देखने को लग रहा है कि भाई वेरी गुड, नाइस, नाइस ऐप, ये वो, मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है। खैर हमें जो है इससे भाई रियलिटी का पता नहीं चला कि आखिर में लोगों को जो है लोन मिला है नहीं मिला है, क्या सीन है। तो हमें जाना पड़ेगा 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज में, जहां पर आपको जो है क्लियरली पता चलने वाला है कि आपको जो है इस लोन ऐप से लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, वैसे बहुत सारे लोगों ने कहा है। और इन रिव्यूज में जो है एक बात और देखने को मिला है कि अगर आप जो है 7 दिन के अंदर जो है रीपे नहीं करते और समय लगाते हो रीपे करने में, तो ये लोग जो है आपकी एडिटेड फोटोज वगैरह आपको व्हाट्सअप पर सेंड किया करेंगे और कहा जाएगा जल्द से जल्द रीपे करने के लिए। अब यहां पर इन रिव्यूज को देखने के बाद जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि फिलहाल इस लोन ऐप से लोन के लिए ट्राई आप मत करना, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी आधार पैन सेल्फी वगैरह इन लोगों को भेज दो, उसके बाद जो है लोन अप्रूव ना हो, या फिर हो तो 2000 का हो और 1200 रुपए आए और 7 दिन में आपको 2000 देना हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं इस लोन ऐप से लोन के लिए ट्राई नहीं करता, बाकी आपकी मर्जी है। और हाँ, अगर आपको लोन का अमाउंट रिसीव हो चुका है तो आपको रीपेमेंट जरूर से करना है और रीपेमेंट करने के समय में प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर से बना लेना है, ताकि जो है आपके पास ये प्रूफ रहे कि आप किस तरीके से उस ऐप में गए हो, कैसे आपने लोन का रीपेमेंट किया था। अब अगर ये लोग उसको अपडेट नहीं करते हैं ना, तो आप इन लोगों को वीडियो शेयर कर पाओगे और शेयर करने के बाद ये लोग अपडेट कर देंगे। अगर अपडेट नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके का स्कैम कर रहे हैं आपके साथ, या फिर दोबारा पैसा डालने को बोल रहे हैं जबकि आपने पैसा पहले ही दे दिया हुआ है, पहले ही रीपे कर दिया हुआ है, तो ऐसे में जो है आप साइबर क्राइम में कंप्लेन कर सकते हो। आई होप गाइस आप लोग मेरी बात को समझ गए हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो किसी भी ऑनलाइन स्कैम की जानकारी, तो आप शेयर कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर हमेशा आपको अवेयरनेस वाली वीडियो देखने को मिलेगा। और हाँ, यहां पर जो मैं वीडियो शो कर रहा हूं उसको जरूर से देख लीजिएगा। अगर आप गूगल प्ले स्टोर से किसी भी लोन ऐप से लोन लेने की सोच रहे हैं ना, तो कुछ टिप्स बताया हुआ इस वीडियो में, जरूर से देखिए इस वीडियो को। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू सो मच।